हमारी जो दुर्भाग्य की बात ही मेरठ में 1857 का जो आज़ादी का बुगल बजा था, हम बागी हो गए, ब्लैक लिस्टेड हो गए और हमारी ज़मीन ज़्यादा छीन कर उन लोगों को जो गद्दार थे देश के उनको दे दी गई, फ्रीडम फाइटर के उसमें श्रेणी में आते तो हमें विशेष हमारे बालकों को पढ़ाई का और नौकरी का वो मिलता, मिनिस्ट्री में तो नाम आते ही नहीं। हमारा एक राज्य मंत्री है केवल, है जी, इतने बड़े प्रदेश में, जबकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी एक बेल्ट है, पूरी बेल्ट है हमारे तो। जब थे, जब हमने भूखे थे, हमारी जायदाद छीन ली तो और क्या करते। ये तो सम्मानित कौम है, बहादुर कौम है, इससे ज़्यादा बहादुर कौम ही भी नहीं। और बात कहूँ तो इस देश का सबसे बड़ा राज गुजरों ने करा, जम्मू कश्मीर तक हम पशु ही चरा रहे हैं, दूध का काम हमारा महाराष्ट्र तक है, मैंने कर्नाटक तक देखा है कि जो गुजर हैं वह आज भी दूध वहाँ भी दूध ले रहे हैं। अगर आप बात करें राजनीति की तो गुर्जर समाज में राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप, किस मुकाम पे हम हैं, हाँ, क्या कितनी कमियां हैं या कुछ है? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो आपने उठा दिया। हमारा तो नेतृत्व नहीं है राजनीति में, राजेश पायलट था जब, तो उसे हम नेता मानते थे चाहे वो कांग्रेस में थे कैसी भी किसी पार्टी कांग्रेस पार्टी में थे। बाकी अब उनका बेटा है वो राजस्थान की राजनीति करे है, तो हमारा तो केंद्र में कोई राजनीति हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं, एक नगन है। प्रदेश में भी हम अभी, मेरे पे एक वीडियो है, मैं उसे दिखाऊंगा आपको, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जितनी यहाँ जाटों की संख्या है उससे ज़्यादा गुजरों की संख्या है, ये डिबेट की बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी ये इन्होंने तो अपना सिलेंडर कर रखा बीजेपी को, और ये चंद लोग हैं जो जाटों की हुए हैं वह दिखाते हैं ज़्यादा कि किसान आज जो है वो जाट ही है, ना कोई और कोई है, ना राजपूत है, ना त्यागी है, ना ब्राह्मण है, ना मतलब कोई नहीं, ठाकुर है कोई नहीं, एक सिर्फ जो किसान है तो जाट है। वो एक सही कदम होगा तो उसका विरोध करेंगे, और विरोध का तो विरोध करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तो इसलिए मैं अपने वन लाइट में आवे हैं, सबसे हमारी जो दुर्भाग्य की बात ही मेरठ में 1857 का जो आज़ादी का बुगल बजा था, उस टाइम पे हम ये गुजरों का नेतृत्व रहा था उस आंदोलन का, और उसमें हम ऐसे दमन कर दिए गए कि आज तक भी हौसला जो है हम उठा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये हम जो हैं उसकी आग में जले हुए हैं, उस कहीं ना कहीं उसका मतलब जो नुकसान हमें हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है, कहीं देश को मतलब आज़ादी के लिए शुरुआत की, अपनी जान दी, और लेकिन नुकसान उठाना पड़ा। हम बागी हो गए, ब्लैक लिस्टेड हो गए, और हमारी ज़मीन ज़्यादा छीन कर उन लोगों को जो गद्दार थे देश के उनको दे दी गई, और हमारे जो पूर्वज हैं कहीं खादर में, कहीं पहाड़ों में, कहीं हमारी समाज जो था ना वो अपना दिन काट रहा, और आज इतनी दमनकारी नीति हमारी है कि हम पुलिस के सामने आंदोलन करते हुए डरते हैं कभी हम जेल में चले जाएं, या हम पे कोई ऐसे एलिगेशन लगा दिए जावें कि हम मुकदमे इनके पीछे पड़े रहेंगे। उस टाइम पे जो नेतृत्व था वो आज़ादी का वो सही कदम नहीं था, जो लोग थे उन्होंने गद्दारी करी, वे फादे ठागे कि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, दूसरे देश का राज था, दूसरे उनका जो ब्रिटिश रूल था, तो उनसे वे फायदे ठागे, हम दब गए, और आज तक हम उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उसका एक लाभ मिलना चाहिए था, उसका कई गुना नुकसान ज़्यादा हो रहा है। आज भी जो आज़ाद भारत है वो भी नहीं दे रहा हमें उसका लाभ, यानी जो हम फ्रीडम फाइटर के उसमें श्रेणी में आते तो हमें विशेष हमारे बालकों को पढ़ाई का और नौकरी का वो मिलता, मिनिस्ट्री में तो नाम आते ही नहीं। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें हम उनसे ज़्यादा संख्या में, वे 6-7 मंत्री हैं, कैबिनेट प्रदेश का अध्यक्ष जो है भाजपा का, रूलिंग पार्टी का वो उपराष्ट्रपति और कैबिनेट स्तर के मंत्री, हमारा एक राज्य मंत्री है केवल, है जी, इतने बड़े प्रदेश में, जबकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी बेल्ट है और हमारे 6-7 विधायक भी हैं, MLC भी हैं, MLA भी हैं,
पर उसे एक राज्य मंत्री का दर्जा, उसे भी पूर्ण स्वतंत्र वो नहीं है अधिकार। तो गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं एक छवि आती है कि भाई दबंग लोग हैं, गुंडागर्दी में ज़्यादा रहते हैं, बदमाशी करते हैं, तो क्या ऐसा वाकई है या अब समाज बदल रहा है? नहीं, आप तो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी वो लोग बहुत कर रहे होंगे। हमारे तो जब थे, जब हमने भूखे थे, हमारी जायदाद छीन ली तो और क्या करते उस टाइम, तो हमारे लोगों पूर्वजों ने करा होगा, मजबूरी थी उनकी। बाकी अब तो कोई नहीं पढ़ लिख रहे होंगे, सब अच्छे अच्छे हुआ, हम उनसे ज़्यादा अच्छे खान में, पीन में, रहन में, सहन में, सुविधा में सब उनसे बेहतर हैं हम जी। तो गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया, तो किस तरह से आप उसकी, आपकी अंदर की फीलिंग किस तरह से? नहीं तो देखो, मैं तो इसमें समाज में क्या, मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं अगर जन्म भी होवे तो मैं तो गुर्जर में ही होवे। ये तो सम्मानित कौम है, बहादुर कौम है, इससे ज़्यादा बहादुर कौम ही भी नहीं। और बात कहूँ तो इस देश का सबसे बड़ा राज गुर्जरों ने करा, ये इतिहास गवाह है। हमारा तो इतिहास भी दबा दिया गया कहीं ना कहीं, हमारे इतिहास को दूसरा अपना बता के। हाँ, अब ये जो विवाद हुआ था दादरी में, मीर जी, तो इस बात पे विवाद हुआ, अभी तो चल रही है, डिबेट भी चली हेंगी कि भाई कोई 1200 से पहले ये बता दो कि राजपूत था। मैं तो ये कहूँगा कि जितना मैं भी गाँव के दौरे कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों से बात करता हूँ और भी काफी सम्मानित लोगों से बात करता हूँ, तो वो 1200 से पहले सब हम एक ही थे, एक ही थे, एक में से निकल के सब बट गए। आज आपने बात करी कि भाई तवर इधर मुस्लिम भी हैं, राजपूत भी हैं, तवर गुर्जर में भी हैं, जाट में भी हैं, तो ये सब बट गए वैसे आपस में, ये जातिवाद से बट गए। मुझे एक ने बताया था, हमारे पूर्वज ने, कि भाई जाट जो थे पंजाब से कभी गुरु गोविंद सिंह ने तो उधर से आक्रमण हो कराया इनका मुस्लिमों का, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने या तेग बहादुर जी ने किसी ने भी, तो वहाँ जत्थे बना बना के और सुरक्षा जत्थे वहाँ भेज दिए। अब जत्थे का पंजाब में जट्टे हो गया, जाट का पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट हो गया जट्टे इनका, तो ये तो ऐसे हुए हैं। अब गुजर जो है गाय चराए करे पशु के, आज भी हैं, हमने देखा जम्मू कश्मीर तक हम पशु ही चरा रहे हैं, दूध का काम हमारा महाराष्ट्र तक है, मैंने कर्नाटक तक देखा है कि जो गुजर हैं वह आज भी दूध वहाँ भी दूध ले रहे हैं। और पहले कहीं ना कहीं दो ही काम था, वह हम गौचर हो गए अतः राज जो राज करे थे, अच्छा वो राज खत्म हो गए।